नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद एक बार फिर एमएसपी को लेकर बहस छिड़ गई है। किसान लगातार सरकार पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सरकार ने किसानों को एमएसपी पर जल्द ही कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आंदोलन के एक महीने बीत जाने के बाद भी कमेटी अब तक नहीं बनाई गई, जिसको लेकर किसानों में एक बार फिर आक्रोश देखने को मिला है। अब इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एमएसपी पर कमेटी बनाने को लेकर किसानों को भरोसा दिया है। किसानों की मांगों को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार 5 राज्यों में चुनावों के बाद एमएसपी को लेकर एक कमेटी के गठन का ऐलान करेगी। बता दें कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। सरकार इसकी खरीद पर 2.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार के इस ऐलान के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली थी। किसानों का कहना है कि एमएसपी के लिए बजट बढ़ाए जाने से किसानों को फायदा होगा। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय संयोजक श्याम वीर त्यागी ने कहा था कि एमएसपी को लेकर कोई सवाल नहीं था। हम इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि सरकार इसे कभी खत्म नहीं कर सकती। एमएसपी के लिए बजट बढ़ने से इसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे किसानों को होगा। नए कृषि कानूनों में एमएसपी की गारंटी नहीं थी। किसान नेता राकेश टिकैत लगातार एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देती है तो वो फिर से सड़क पर उतरेंगे और एमएसपी के लिए आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।